कहते हैं आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती हैं। हमारे पास एक ऐसा वीडियो आया जो इस कथन को बखूबी चरित्रार्थ कर रहा था। कोरोना वायरस के इस दौर में बचने के लिए सभी को मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। इस महामारी का दौर कब तक चलने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन धीरे धीरे आने वाले महीनों में स्कूल कॉलेज तो खुलेंगे ही, मगर अब स्कूल जाते बच्चे हों या बड़े, कई महीनों तक मास्क पहनना अनिवार्य हो जाएगा ताकि लोग सुरक्षित रह सके। इसीलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वैदिक विभाग की छात्रा नेहा सिंह ने बलिया में अपने घर बैठे बैठे एक अलग तरीके का मास्क निर्माण किया जो स्कूल जाते बच्चों के लिए काफी लाभदायक होगा। इस मास्क का फायदा ये रहेगा कि मास्क अपने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ ही संलग्न रहेगी, ना ही गिरने का डर, ना ही दूसरे बच्चों से बदल जाने के डर। यूनिफॉर्म के साथ ही मास्क भी धुल जाएगा। वही स्कूल बच्चों के लिए नेहा ने बनाई है स्कूल यूनिफॉर्म मास्क, ना ही गिरने का और ना ही दूसरे से बदले जाने की दिक्कत। कहते हैं जब खुद आवश्यकता हो तो आविष्कार हो ही जाता है। इस मास्क को बनाने का आइडिया भी नेहा को अपने ही घर से आया, जब घर पर अपने ही भतीजे आराध्या को स्कूल भेजने की बात हो रही थी। वह स्कूल कैसे जाएगी बिना मास्क पहने? यदि खरीदा हुआ पहन भी लेती है तो छोटी बच्ची है, कहीं छूट ना जाए या स्कूल के बच्चों में ही बदल ना जाए। यहीं से आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा मास्क बनाया जाए जो यूनिफॉर्म से ही जुड़ा रहे, ताकि बच्चों से ना गुम होने का डर और ना ही किसी बच्चे से बदल जाने का डर। इससे बच्चे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। इस मास्क को घर में उपलब्ध कपड़े एवं चीजों से ही अभी तैयार किया गया है, लेकिन बाजार खुलने के बाद इसको और अच्छी तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम नेहा सिंह है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। फिलहाल मैं BHU से वैदिक साइंस की स्टडी कर रही हूँ। बात करें कोरोना महामारी की, तो ये जिस तरीके से चल रहा है, हम ये पूर्णतः नहीं कह सकते हैं कि ये कब तक ठीक होगा, लेकिन आने वाले टाइम में धीरे धीरे हमारे स्कूल कॉलेजेस हर चीज़ खुलने लगेंगी और हमें जाना होगा। बात करें अगर स्कूली बच्चों की, तो वो छोटे होते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है कि कैसे हम अपने सामान को सुरक्षित रखें या संभाल के रखें। फ्रेंड्स में एक्सचेंज हो जाता है या बच्चों से गुम हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनने की, जो आने वाले टाइम में हमें कई महीने तक पहनने होंगे। छोटे बच्चों की अगर बात करें, तो मैंने एक ऐसा मास्क बनाया है जो यूनिफॉर्म में ही अटैच है। ना बच्चों को उसे खोने का डर है, ना फ्रेंड्स में एक्सचेंज करने का डर है, और ना ही वो कहीं गलती से उसे छोड़ पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से मास्क उनके यूनिफॉर्म में अटैच रहेगा। अगर बात करें इस चीज़ को बनाने की या कैसे मुझे ये आइडिया आया, तो हमारे घर में बच्ची है, स्कूल जाती है, लेकिन ये हुई बात कि अगर वो स्कूल जाती है तो कहीं वो मास्क गुम ना कर दे या फिर बच्चों में एक्सचेंज ना कर ले। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने उसके यूनिफॉर्म पे अटैच करके एक मास्क बनाया, जो कि बहुत ही बेहतर था, कंफर्टेबल था, और वो उसमें सुरक्षित महसूस कर रही थी। तो इस चीज़ को मैंने सोचा कि क्यों ना और भी बनाया जाए और सभी बच्चों के लिए ये चीज़ की जाए। इनफैक्ट हम सबके लिए भी वो बहुत ही यूज़फुल है, हमारी यूनिफॉर्म में अटैच रहेगा, आप उसे निकाल के भी धो सकते हैं या ड्रेस के साथ भी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए मैं दिखाती हूँ आपको वो मास्क। ये जैसे हमारे बच्चों का यूनिफॉर्म होता है, इस पे आगे शोल्डर के जस्ट दोनों साइड, यहाँ और यहाँ, आप बच्चों के साइज़ के अकॉर्डिंग भी चिट बटन आप 4 भी लगा सकते हैं या 2 भी लगा सकते हैं। चिट बटन से बेहतर अगर मैं कहूँ तो होगा वेलक्रो यूज़ करना। वेलक्रो बहुत इजी होता है, बहुत अच्छे से लग भी जाता है, और बच्चे उसमें ज़्यादा उन्हें यहाँ वहाँ बटन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमने यहाँ पे 3 बटन्स लगाए। सेम चीज़ हम क्या करेंगे कि एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और उसे उस शोल्डर से नाप लेंगे, और इस तरीके से फिर ऊपर भी 3 बटन हम यूज़ करेंगे। इसके बाद हम इसे कटिंग इस तरीके से करेंगे कि शोल्डर से हम बच्चे के पेट तक का नाप ले लेंगे कि उसके यूनिफॉर्म में ये कहाँ तक पीछे लग सकता है। फिर हम यहाँ पे भी 2 चिट बटन लगाएंगे और इस तरफ भी लगाएंगे। ध्यान रखेंगे कि हमारा जो चिट बटन है, एक तरफ हमारा बॉल लगना चाहिए और एक तरफ हमारा स्क्रॉल लगना चाहिए। इस तरीके से हम यूनिफॉर्म पे बच्चों का ये अटैच कर लेंगे। बच्चों को अटैच करने के बाद आप सिंपली देख सकते हैं, मैंने फोटोज़ भी दिए हैं किस तरीके से बच्चे की यूनिफॉर्म में ये अटैच रहेगा और किस तरीके से ये काम करेगा।
और अगर मैं यूनिफॉर्म में लगाने की बात करूँ तो आपको ये तीनों चीज़ इस तीनों जगह पे लगाने होंगे। ये चीज़ हमारी ऊपर लग गई, ठीक। और इसी चीज़ को, ये जो चीज़ है, इसे हमें मोड़ के ऐसे लगा देना है पीछे की तरफ। ये जो स्क्रॉल है और जो हमारा वॉल है उसे एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लगा देना होगा। बच्चे सेफ भी रहेंगे और प्रॉब्लम्स भी नहीं होगी। ये बड़े भी लगा सकते हैं चाहे तो, जिस तरीके से ये मास्क है, हमने अपना यूनिया और पीछे की तरफ चितवन। तो इस तरीके से मैंने ये एक नया एक्सपेरिमेंट किया है ताकि बच्चे सुरक्षित रहें, सेफ रहें और जल्दी से जल्दी ये कोरोना ख़त्म हो जाए। वहीं नेहा सिंह के बारे में बात करें तो ये कोई आम छात्र नहीं है। नेहा सिंह पहले भी दो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुकी हैं। दशोपनिषद का पहला डिजिटल प्रिंटेड एल्बम एवं हाल ही में लॉकडाउन में रहते हुए मसाला एवं मेकअप किट से एक ऋषि द्वारा एक आधुनिक जिज्ञासु वैज्ञानिक को ज्ञान का उपदेश देते हुए एक कलाकृति भी बनाई है जो काफ़ी चर्चा हो रही है। जिसके बाद अब नेहा ने स्कूल यूनिफॉर्म मास्क तैयार किया है जिससे स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों को काफ़ी सुविधाएं मिलेंगी। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।